चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आज भी बात हल नहीं होती, मुझे अफसोस होता। क्या आप भी इस अधिकार के साथ आए हैं कि हम समस्या का समाधान कर पाएंगे? भाई, समस्या बड़ी विकट है। हमारी दंती ना रुके, मील का पहिया चले ना चले, ये तो आप जानो, पर दंती नहीं रुकनी चाहिए, छोल चलनी चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसानों के नेता, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता, आदरणीय श्री राकेश टिकैत जी, सम्मानित खापो के चम्माली चौधरीगण, बड़े भाई पंडित राजेंद्र शर्मा जी, राष्ट्रीय लोकदल के सभी सम्मानित विधायकगण, सम्मानित पदाधिकारीगण, धरती का सीना चीर करके इस मुल्क का पेट भरने वाले सम्मानित किसानों और नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकार साथियों, आपके बीच में आए मिल और प्रशासन के अधिकारीगण, भाई तुम चुप हो जाओ, मैं आपको चुप कर लूंगा सबको। आज धरने का 82वां दिन है और आज हमारे बीच में किसान जिनकी तरफ टकटकी लगा करके देखता है, वो दोनों नेता मौजूद हैं। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी मौजूद हैं और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता मौजूद हैं। निश्चित रूप से एक आशा और विश्वास जगा है कि आज समाधान होगा। अब समाधान क्या होगा, वो तो एक कमेटी बनी है जिसमें आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चौधरी जयंत सिंह जी, चौधरी राकेश टिकैत जी और खाप के सम्मानी चौधरी गण है। ये निर्णय लेंगे, कुछ अनुरोध मैं इनसे जरूर करूंगा कि एक तो जो अधिकारी यहां बैठे, मेरा अनुरोध है कि सर्वप्रथम तो इनसे पूछ लिया जाए कि इन्हें क्या अधिकार है। यहां किसानों के बीच में जो आए हैं, एडिशनल एसपी का तो लैंड ऑर्डर का मामला है, मैं मिक्स नहीं करूंगा अपने वक्तव्य में इन बातों को, पर एडीएम साहब बैठे हैं, क्या वो शासन को रिप्रेजेंट करते हैं? क्या कोई अधिकार है उन्हें आश्वासन देने का, बात करने का? एक तो मेरा अनुरोध है समिति से कि वो इनसे बात कर ले। मिल बपन तंत्र से तीन लोगों को मैं पहचानता हूं, एक चौथे सज्जन भी हैं, सुशील कुमार जी वीपी, बलधारी सिंह चौधरी जीएमके और दीपक राणा। अब तू आ जा इधर, दीपक राणा जी आप भी बता दें, आपको वार्ता का अधिकार है या वैसे ही बैठे खामोखा? देखो भाई, आज किसान के पास, पश्चिम उत्तर प्रदेश के पास इन दोनों आदमियों से बड़ी कोई ताकत नहीं जिसे बुला करके आपके बीच में बैठा करके बात करनी चाहे। अगर आज भी बात हल नहीं होती, मुझे अफसोस होता। किसान जब आया तो इस आशा और विश्वास के साथ चलता है कि आज मामले का निस्तारण होगा। यह राजनीतिक लोग, सामाजिक लोग, किसान यूनियन के सम्मानित नेता, राष्ट्रीय लोकदल के सम्मानित अध्यक्ष जी इस आशा और विश्वास के साथ आए हैं कि हम किसान की मदद कर पाएंगे। क्या आप भी इस अधिकार के साथ आए हैं कि हम समस्या का समाधान कर पाएंगे? देखो भाई, एक दिन पहले भी मैंने बात कही थी,
भाई समस्या बड़ी विकट है। फैसला तो जो अधिकार प्राप्त कमेटी है वो लेगी, हम इनके साथ रहेंगे, इनका जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे, जो भी निर्णय कमेटी लेगी उसके साथ हम खड़े रहेंगे और जो उस कमेटी का निर्देश होगा, इस बहादुर संचालन समिति का जिसके संचालक भी बहादुर ही हैं, इनका जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे। परंतु इतना जरूर है कि छोल का भी गंभीर सवाल है। एडीएम साहब से यह भी पूछ लियो, अगर मिल मालिक ने गन्ना देना वो पैसा ना दिया तो इन्होंने डायवर्जन का तो एडीएम साहब कर ही लिया होगा, आपने कुछ अल्टरनेट? अरे पूछो तो बाबा इनसे, कुछ अल्टरनेट किया नहीं किया कि इसमें इनका गन्ना कहाँ डाइवर्ट होगा? अरे मेरा अनुरोध है, लिख करके पूछे, गन्ना युक्त भेजिए, एसीएस को पत्र भेजिए और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सामने लिखा, आपके लिखा कोई नहीं पढ़ रहा, वो सीधा लिखा है कि अगर ऐसी स्थिति आई तो 1 करोड़ क्विंटल से ज्यादा गन्ना होगा यहां जो मिल क्रश करता है, 180 दिन सीजन चलता है और शायद ये 60-70 हजार क्विंटल प्रतिदिन क्रश करते हैं, उस गन्ने का डाइवर्ट के लिए थोड़ा थोड़ा किस मिल को देगो? क्योंकि हमारे गेहूं की बिजाई भी होनी चाहिए, हमारी दन तीना रुके, मिल का पहिया चले ना चले ये तो आप जानो, पर दन तीनी रुकनी चाहिए, छोल चलनी चाहिए। अगर छोल चलेगी तो हम गेहूं बिजाई करेंगे और गेहूं की बिजाई करेंगे तो अन्न पैदा करेंगे। मजाक बना रखा, 82 दिन हो गए, अरे थम जा, जीरी लगा भाई, बेटे कहना आसान है, जीरी लगा के क्या काम कर दोगे भाई? यहां तो बेटे ये गन्ना हो जा, गेहूं गेहूं कर ले, सिरसों पिरसो बोले, अपना काम चल जा भाई। मैं पुनः इस अनुरोध के साथ के इनसे साफ साफ पूछ लेंगे और साफ साफ बात कर लेंगे और यह आश्वस्त करता हूं कि जो भी निर्णय निर्णायक समिति का होगा उस निर्णय में अगर कहीं हम मदद कर सकते होंगे, हमें संचालन समिति और निर्णायक समिति अगर कहीं ये सोच दिया कि कहीं ये मददगार हो सकते हैं तो हम मदद के लिए हमेशा तैयार है, घर को से बिगाड़ कर कहां जाएंगे? और भाई फैसला आपका है, हम तो उनमें से गाड़ी किसे दे रहा है, जैसे घर वाले दे रहे उसे हम दे रहे हैं, हमें क्या पता कुछ करो। बहुत बहुत धन्यवाद, अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में